उससे पहले आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहते हैं लाइफ में थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सो फ्रेंड माय सेकंड कलेक्शन इज इंडियन सिनेमा अमेज अमेज बाय द वे ये बस दिखाने के लिए मेरा लिपस्टिक का कलर हमने किए वैलेंटाइंस गिफ्ट उससे पहले आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहते हैं लाइफ में थोड़ा बहुत कूल एंड अमेजिंग स्मेल होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आपके लाइफ में स्मेल नहीं होगा वो भी एकदम से ऑसम स्मेल नहीं होगा तो हाउ यू कैन जस्टिफाई योर लाइफ। तो चलिए आज हम कुछ मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से वैलेंटाइंस गिफ्ट मिला है तो वो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और ये चीज हम क्यों शेयर करने वाले हैं क्योंकि ये वाला जो वैलेंटाइंस गिफ्ट होगा ये एक यूनिक गिफ्ट है। इसमें ऐसे कोई मतलब सोना चांदी नहीं मिला लेकिन जो मिला है वो मेंटल पीस के लिए एक एस्थेटिक लाइफ के लिए बहुत बहुत जरूरी। ऐसे एक बॉक्स में आया हुआ था और ये है आपका वेला विटा का। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट किए है तो बस वही हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देख लीजिए ऐसे ये वाला बॉक्स में आया था, ये वाला बॉक्स ऐसे करके इसमें फोर साइड्स दिया हुआ है। तो और इसका फर्स्ट जो कलेक्शन है नंबर वन हम बोलना चाहेंगे क्योंकि नंबर वन क्यों है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये है मेरा कलेक्शन कैंडल का। तो ये है मेरा कलेक्शन कैंडल का। तो ये देखिए वेला विटा, ये है चार्किस वैनिला, अमेजिंग एसेंस, अमेजिंग एसेंस। ये पूरा मतलब हैंडमेड है, इसमें कोई ऐसे कोई जैसे होता है ना कि ब्लैक कलर का धुआं निकलता है वैसा कुछ नहीं है। एंड इसका जो स्मेल है अमेज, एकदम से वैनिला फ्लेवर है। तो हर एक सीजन के लिए, और वेला विटा का ऑर्गेनिक है, हर एक सीजन के लिए बहुत ही बढ़िया है। और मान लीजिए क्यों हम कैंडल दिखा रहे हैं, वो वैलेंटाइन्स में ये वाला गिफ्ट दिया है वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे क्योंकि इफ वी पीपल आर टू मच स्केयर्ड अबाउट अवर लाइफ और गेटिंग सो मच टेंशन एंड जस्ट रिड्यूस अवर स्ट्रेस, तो इसके लिए अच्छा सा लाइफ में स्मेल होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए इस साल उसने और मुझे एक स्मेल के ऊपर मतलब मेरा ना होता है कि मूड चेंज होता है, जैसे अच्छा अच्छा स्मेल मतलब करके आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम ये थेरेपी आप बोल सकते हो। तो इसी हिसाब से ये वाला हो गया वैनिला, टर्किश वैनिला। अमेज अमेज। तो और है तो चलिए देखते रहिए मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड माय सेकंड कलेक्शन इज इंडियन सिनेमम, दिस इज इंडियन सिनेमम। तो ये है इंडियन सिनेमम बेला विटा, दिस इज इंडियन सिनेमम। इसका फ्रेग्रेंस जो है इसे सिनेमम की तरह है। तो ये देखिए कैमरा में कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वाला कलर है, बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है यार। सो ग्रेटफुल, सो हैप्पी, एंड क्या बोले, एक अलग अलग सीजन का अलग अलग मतलब फ्रेग्रेंस दिया गया। तो इट्स अमेज। ये जो है मतलब आपका ये भी ये जो है अमेजन का लिंक हम जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो ये वाला है इंडियन सिनेमम। तो एक हो गया वैनिला, एक हो गया इंडियन सिनेमम, और नेक्स्ट नंबर थ्री आप लोगों को जरूर दिखाना चाहेंगे। तो चलिए रहिए मेरे साथ मेरे ये वाला ब्लॉग में। और कैसा लगा आप लोगों को ये कैंडल कलेक्शन और एज अ वैलेंटाइंस डे गिफ्ट जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वी आर गोइंग टू और मूव टू फॉर नेक्स्ट। मेरा लैवेंडर वाला, लैवेंडर मतलब
ये राते मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा हमें दिल मिलके खिले है ये राते ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा अमेज अमेज बाय द वे ये बस दिखाने के लिए मेरा लिपस्टिक का कलर हम ये कोशिश किए लेकिन मुझे लग रहा है कोई हम मतलब कहाँ से उठ के आ गए पेड़ के बीच से उठ के ये कर गया सो डोंट गो लाइक दिस वे जस्ट टेक एज अ पॉजिटिव वे तो बस ये लैवेंडर आप अगर नाइट पे जला के और एक एस्थेटिक मूड पूरा आ जाएगा उसके साथ साथ आपका जो फेवरेट बुक है वो अगर थोड़ा सा रीड करके या तो फिर नेक्स्ट डे के लिए टू डू लिस्ट बना के आप लोग सोने जाते हो तो नींद बहुत ही बढ़िया सा आता है तो ये है लैवेंडर वाला इसका नेम है फ्रेंच लैवेंडर तो वेला विटा का ये फ्रेंच लैवेंडर ये है मेरा नंबर 3 कलेक्शन जो मेरे हस्बैंड मुझे वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट किए हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट कैलिफोर्निया रोज दिस इज नंबर 4 वेला विटा दिस कैंडल कैलिफोर्निया रोज पूरा एकदम रोज की तरह स्मेल है जस्ट इमेजिन कीजिए एंड कोई भी होटल रूम में आप लोग गए हो या ऐसे भी जहाँ पे जाकुजी है या फिर कहीं पे भी आप लोग घूमने गए हो तो उधर जाके अगर आप लोग मतलब इवनिंग बर्थ लेते हो या इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे नहीं गिफ्ट किए है मेरे हस्बैंड इसलिए गिफ्ट किए है कि विदाउट हिम फिर डे बाद में दिस इज नॉट दैट मच ऑफ मैच मिक्स एंड मैच तो अगर इवनिंग या फिर कोई नाइट बर्थ लेते हो उस टाइम एज अ कपल आप लोग ये वाला मतलब जला के रखोगे सो मीन्स आई जस्ट इमेजिन फॉर हिज कंपनी सो फॉर दैट रीजन तो इसको कोई गलत तरीके से नहीं लेना है दिस इज द अमेज थिंग्स तो आप अपने लवर को लेके या फिर हस्बैंड को लेके ये चीज रोज जो कैंडल है इसको लेके ये सोच ही सकते हो इसमें कुछ मतलब इधर उधर का बात तो है ही नहीं और खास करके क्या सही है क्या गलत है क्या मतलब परफेक्ट है वो तो इंसान के खुद के मतलब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है जो आपके लिए गलत होगा मेरे लिए सही होगा या तो फिर मेरे लिए जो सही होगा बहुत सारे के लिए वो वाला सही होगा तो दैट इज द डिपेंड पॉइंट ऑफ व्यू बट हम वो कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहे हम बस लव लव एंड लव का एसेंस लेके आज तो आप लोगों के साथ हम मतलब बात करने के लिए बैठ गए तो इसलिए हम ये वाला दिखा रहे हैं दिस इज कैलिफोर्निया रोज तो कैसा लगा ये वाला कलेक्शन तो बस इतना ही था दीज आर द 4 कलेक्शन तो आप लोग बताइएगा कैसा था ये वाला कलेक्शन और जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा अगर मेरा ये वाला वीडियो आप लोग इतने हद तक देख चुके हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बाय सी यू स्टे सेफ Young kids that growing up in basements Online a whole new generation I'ma make mine so you better go take it Always they need a new replacement Decentralized can't contain it We're changing lives, yeah upgrading Call it suicide of the older generation What keeps you up at night, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough What keeps you up at night, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah